अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दादरीपोरा के एरिया में फंस गए, जिसके दौरान पुलिस और फौज ने हमको सरेंडर करने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज दो आतंकियों ने सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के बाद सरेंडर कर दिया। आज हम दादरीपोरा के एरिया में फंस गए, जिसके दौरान पुलिस और फौज ने हमको सरेंडर करने का मौका दिया। करके आतंकी है मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों के परिवार को बुलाया गया था। परिवार ने इन दोनों आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की। इस अपील को दोनों ने मान लिया। इस सरेंडर को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से दो पिस्तौल और कुछ गोला बारूद बरामद हुए हैं। आज हम दादरीपोरा के एरिया में फंस गए, जिसके दौरान पुलिस और फौज ने हमको सरेंडर करने का मौका दिया और हमारे घर वालों को भी बुलाया गया और हमने सरेंडर किया, हमने हथियार फेंक दिए। इसके बाद हम मैं अपने भाइयों से बस यही अपील करता हूँ कि वो ये गलत रास्ता छोड़ दे, क्योंकि इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। जितने भी इनके जो कमांडर है वो सब गलत है। अब्बास शेख भी और जो क्या नाम है उसके खालिद, वो सब गलत है। उस लड़कों को बहकावे में लाकर उनको एक्टिव कराता है, फिर उसके बाद उनको मरवाता है। और जितने भी ये पाकिस्तानी है सब बकवास है। सब लड़कों को बहकावे में लाते हैं और सब इनके साथ ही गेम खेला जाता है। इसके बाद में फौज और पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया फिर से जीने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं भी अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि हमने सिलेंडर किया है, अभी अभी हमने दादरीपोरा में सिलेंडर किया, देखो हम कैसे यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से रखा है इन लोगों ने हमें यहाँ पे। तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वापस आ जाइए, इस मतलब रास्ते से वापस आ जाइए। ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। ये लोग हमें निकलवाते हैं घर से, फिर मरवाते हैं बीच रास्ते में। तो मैं अपील करता हूँ उन लोगों से कि वो वापस आ जाए। सब जम्मू कश्मीर के 280 जिला विकास परिषद DDC सीटों पर 8 चरणों में हुए चुनाव के लिए मतगणना आज होगी। राज्य के सभी 20 जिलों में मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। DDC का चुनाव 8 चरणों में हुआ। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने तथा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद ये पहली चुनावी कवायद है। चुनावी माहौल के बीच लश्कर के 2 आतंकियों का सरेंडर सेना और देश के मनोबल को बढ़ाने वाला है। साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ गोली से नहीं बल्कि बोली से भी आतंक के सफाये किए जा सकते हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें घायल आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 14 दिसंबर को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर के एक एनकाउंटर में एक जिंदा आतंकी पकड़ा है, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।